अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम डोंगरी। डोंगरी मुंबई जो काफ़ी फेमस है दोस्तों, एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा आज मैं। बहुत ही कम एज में इंसान अगर मेहनत करे तो कहां से कहां पहुंच सकता है। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पूरा वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि एक बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी आपको आज देखने मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सुरेयान भाई, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जज़ाकअल्लाह। आपने ये गाड़ी ली ट्रांसपोर्ट के लिए और काफ़ी मेहनत करते हुए आपको मैं देख रहा हूँ पिछले 3 साल में, जब से हम लोग जुड़े हुए साथ में माशाल्लाह। सो ये गाड़ी कब खरीदी आपने भाई? अभी 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना, तो ये इसका यूसेज क्या है और लोग आपको क्यों हायर करें ये गाड़ी के लिए? मैंने ये गाड़ी इसलिए लिया हूँ कि मैं बहुत देर, मतलब कंप्लेंट्स बहुत होती थी गाड़ियों में कि जल्दी टाइम पे नहीं आते हैं, ये नहीं, तो टैक्सियों के लिए रुकना पड़ता था। अब वो कभी टैक्सी वाले दूर रहते थे तो 15 मिनट झूठ बोल के करते थे। इसके लिए अभी मैं कैसा करता हूँ कि माल मेरे को, मतलब बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ करना है ट्रांसपोर्ट, तो मैंने मेरी खुद की गाड़ी लिया हूँ और मैं पहले अपना लोकेशन भेज देता हूँ कि भाई लोग देख सके कि किधर हूँ मैं। झूठ बोलने वाला काम ही नहीं है। तो बेसिकली एक जगह से दूसरे फार्म पे छोड़ना, ट्रेन से उतार के अपनी टैक्सी में, कार में डाल के वहाँ पहुँचाना। हाँ भाई। अगर किसी का बकरा मुंबई के बाहर भेजना है, उसके घर जाके या उसके बाड़े पे जाके बकरा उठाना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कैसा है कि मैं गाड़ी में पूना और नासिक तक के भी गया हूँ, मतलब घर तक के छोड़ के आया हूँ और वहाँ से लेके भी आया हूँ। जैसा अभी पंसारे गोटफा में जैद भाई और सफदर भाई का पूना में तो उनके घर तक के छोड़ के आया उनका बकरा। कहाँ से लेके गए थे? ये बेंड्रा टर्मिनस आया था कोटा से। अच्छा, तो आप उतारे? उनका बहुत बड़ा बकरा था, वो उन्होंने बोले कि आपकी गाड़ी में ही लेके आओ। ठीक है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएंगे तो रेहान भाई जो बोल रहे हैं वो लोग देख पाएंगे। तो रेहान भाई मैं बताऊं लोगों को कि क्या होता है ना, कि जो ट्रेन होती हैं मुंबई से जाने वाली और आने वाली भी, कोई 2 बजे रात में, कोई 3 बजे, कोई 5 बजे, जैसा गोल्डन टेम्पल आ रही है सुबह में 5 बजे, तो अभी सुबह टैक्सी नहीं मिलती थी। अब इसकी बाइक भी देख ली आप लोगों ने, बहुत माशाल्लाह बाइक थी इसकी, उस पर बेचारा एक आध बकरा लेके आ रहे हैं और टैक्सी वाले नखरे कर रहे हैं बकरे नहीं बिठाएंगे। ये सारी चीज़ों की वजह से भाई ने आज कार ली और कार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो रेट्स बता दें, आप क्या रेट्स रखे हो ट्रांसपोर्ट भाई? रेट्स कैसा है, मुंबई या किधर अपना बेंड्रा पे किसका बकरा आ रहा है, मुमरा हो या भिवंडी हो, भिवंडी है और या कोई फार्म है पड़गाट तलक, तो 1300 रुपया भाई, और मुमरा का 1000 रुपया। पड़गा में जो भी लाइन से फार्म है, एडिलेट से लेके क्लासिक हो, जेडी हो, अलशेक हो गया, ये सारे फार्मों पे 1300 रुपये। हाँ भाई। स्वार के गोट फार्म तक और ARM तक भी 1300 रुपये। हाँ भाई, अभी मतलब है 1-2 दिन में वापिस ARM का, तो इंशाल्लाह वही 1300 रुपये और 1500 जैसा लेते वैसा भी नहीं है, 1300 रुपया। 1500 कैसा है कि ट्रेन से आ रहा है तो 1500 रुपया उतारने के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एंड अगर किसी का बकरा फार्म से ला के ट्रेन में चढ़ाना तो भी उतना है? हाँ भाई, वो भी कर रहे। अभी जैसा ARM से रत्नागिरी गए थे बकरे, और मैं ना हैदराबाद में था, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो बनाया, बहुत बकरे रत्नागिरी यहाँ वहाँ बिके, वो सब प्रॉब्लम होता उनको कि रत्नागिरी कैसा भेजे। हाँ। तो मैंने सबको आपका नंबर दिया और फ़ोन भी कराया मेरे सामने। हाँ। तो अगर कोई बकरा हैदराबाद से बम्बई भेजेगा, आप उतार के आप रत्नागिरी के लिए चढ़ा देंगे? तो ये थोड़ा सा क्लियरली बता दो कि कनेक्टिंग कहाँ कहाँ भेजते हो। पहले कैसा था कि मैं, देखो बहुत सी पहले कंप्लेंट थी तो मैं उतना वो नहीं करता था। तो ये गाड़ी लेने से आपका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया? आसान हो गया। आपका एक बार नंबर बता दो फिर और बात करते हैं हम लोग। 7667132। ठीक है। सो कनेक्टिंग कहाँ कहाँ भेजा है, जैसे रत्नागिरी हो गया, और कहाँ कहाँ भेजते हो कनेक्टिंग? अभी तो कलकत्ता के लिए भी चालू हो गई है ट्रेन मुंबई से आसनसोल तक। आसनसोल हो, कलकत्ता, हावड़ा हो। हावड़ा भी चालू हो गए? हावड़ा भी हो गए। और कहाँ कहाँ बंद थी जो चालू हो गई? बेंगलोर हो गई, बेंगलोर भी, चेन्नई भी हो गई है, सब चालू हो गई है।
खाली एक वो केरला वाली ट्रेन नहीं है, बाकी सब चालू। चेन्नई किसी का माल भेजो अभी? हाँ भाई, ये इमरान भाई है जो रीडा गोट फार्म वाले। हाँ। परसों ही मैंने 2 बकरे चढ़ाए। और किसका बकरा चढ़ाया आपने? कल एक भाई मेंढा चढ़ाया, लियाकत भाई जो अबू डाइट गए जी, वो उनका मेंढा गया बेलगाम। बेलगाम पहुँच गया। अच्छा, तो आप सारी चीज़ें कर रहे हो अभी, है ना? हाँ भाई, ठीक। अगर होता है तो मैं हाँ बोल देता हूँ, और नहीं होगा तो ना बोल दूंगा भाई। और देवनार से कोई माल उठा के करना है ट्रांसफर, तो वो भी हो जाता है भाई। देवनार का ये गाड़ी में 500 रुपया चार्ज है बस। देवनार से लाके का बॉम्बे छोड़ना? बॉम्बे ही छोड़ लेना, है ना? ठीक। और क्या क्या फैसिलिटी? हमारे कुछ दोस्तों के सवाल है, क्या टूरिस्ट लोग के लिए भी ये गाड़ी है? नहीं भाई, टूरिस्ट बकरा टूरिस्ट के लिए, जैसे कि कोई आया बेंगलोर से उसको सब फार्म घूमने के, आप तो एक एक फार्म देखे वैसा है। तो मतलब बकरा टूरिज्म का एक स्टार्ट हो रहा है हमारे मुंबई में रियान भाई की तरफ से। हर फार्म ले जाओगे ना, दिन भर का जो भी होगा बात कर लेंगे। चलो, ये जैसा लाइन से है जेडी पड़गा में, मतलब 10-11 फार्म है लाइन से, वो फार्म का बहुत कम कॉस्ट है, है ना? हाँ। तो जेडी से स्टार्ट करोगे, एआरएम तक पूरा घुमा दोगे। हाँ, एक एक फार्म दिखा दोगे। ठीक है, ऐसे ही मिलजुल के काम करेंगे तो मज़ा आएगा काम करने। हाँ भाई, है ना? और अपनी गाड़ी का नाम क्या रखे हो भाई? अपना सरनेम ही है नाकवास। नाकवास दिखा दूंगा, रेहान नाकवा। सो भाई का सरनेम है नाकवास, माशाल्लाह। सो बहुत बहुत शुक्रिया रियान भाई, आपका भी काफ़ी अच्छा। ये वीडियो बहुत पहले ही बन जाता, मैं था नहीं हैदराबाद में, था नहीं। आप पहले सूरत गए थे? हाँ। सूरत से हैदराबाद गए। मैं चाह रहा था कि हम जब अपन शोरूम से लाएंगे, जब भी मैं आपको भी और गाड़ी को भी हारफुल चढ़ा के, यू नो, काफ़ी हाँ, अच्छा आपसे बहुत सीखने मिला हम लोग को कि आपने कितनी मेहनत की है, यू नो, लाइक एक जर्नी दिखती है ये बाइक से लेके कार तक की। अल्लाह आपको इससे भी अच्छी बड़ी कार, टेम्पो, ट्रक सब दिलाए, मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह, है ना? और बकरा टूरिज्म का रेवोल्यूशन लाओगे आप, मुंबई काफ़ी फेमस है अपने बकरे फार्म्स के लिए, मंडियों के लिए। जो भी हमारा भाई मंडी भी घूमने है, मंडी भी दोनों कल्याण देवनार सब घुमा दो, नई मंडी जो भी है सब घुमा, है ना? तो बकरा टूरिज्म के लिए भी ये गाड़ी है। हमारे भाई बहुत अच्छे गाइड हैं, यंग एज में पूरा मुंबई जानते हैं, बहुत ही सस्ता भी, मतलब डिलीवरी का चार्जेस ठीक है। इनका नंबर सेव करो, इनके स्टेटस पे सब आता रहता है क्या चार्ज है क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।